श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि प्राणी अपने पूर्व जन्म के संस्कार से ही किसी से संबंध बनाता है इस जीवन में। पिछले जन्म का संस्कार संसर्ग जैसा हुआ इस जन्म में उससे संबंध अवश्य होगा। ऐसे ही संबंध हुआ अजामिल का। अजामिल तो ब्राह्मण था और वो जो वेश्या थी, सुंदर स्त्री थी लेकिन वेश्या थी और हीन कुल में जन्म ली थी। उससे संसर्ग कैसे बन गया? उसने तो रोजाना देखता था अनेक सुंदर स्त्रियां बाहर निकले तो देखें सब मिले, और अपने घर में भी नव विवाहिता सुंदर ब्राह्मणी स्त्री सुलक्षणा, उसके ऊपर आसक्त नहीं हुआ। दिन भर देखता था रोजाना प्रतिदिन अनेक स्त्रियां, उन पर आसक्ति नहीं हो गई, मोह नहीं हुआ उन पर, केवल इसी वेश्या के ऊपर मोह हो गया। और उसको मालूम था ये वेश्या है क्योंकि अर्धनग्न थी और शराब पी हुई थी और नीच आदमी उसे संसर्ग कर रहा था। तो इससे ये मतलब हुआ कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उससे ये संबंध हुआ। वो ब्राह्मण था, संलक्षणवान था, वैश्या की संगति से उसका सारा पुण्य चला गया, पतन हुआ उसका, ब्राह्मण तो गया। और प्रायश्चित भी नहीं किया पाप का। प्रायश्चित कौन करता है? न जिसका अहंकार चला गया वही माफी मांगता है। अहंकारी आदमी कभी माफी नहीं मांगेगा। मेरे से गलती हो गई कोई नहीं कहेगा जब तक उसका अहंकार है अंदर। और गलती स्वीकार भी नहीं करेगा कि मेरे से गलती हो गई, अहंकारी आदमी। और अहंकारी आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और मेरे बराबर कोई नहीं जानता है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। उसी को अहंकारी कहते हैं। प्रभुता पाई काही मद नाही, जो कोई तपस्वी बन जाता है उसको अहंकार हो जाता है, कोई धनी बन जाता है उसको अहंकार होता है, कोई पढ़ लिख के PhD बन जाता है उसको भी अहंकार होता है, कोई ब्राह्मण है श्रेष्ठ वो अहंकार होता है, जैसे अमेरिकन को अहंकार होता है गोराओं में और नंबर एक देश से हूँ, दुनिया में नंबर एक देश अमेरिका ही है, बाकी तो सब, हमारा देश तो नंबर 3 में आता है, 2 तो इंग्लैंड आता है, यूरोप 2 नंबर में आता है, कनाडा भी 2 नंबर में आता है, ऑस्ट्रेलिया 2 नंबर में आता है, हमारा देश रूस ये सब 3 नंबर में आते हैं। तो अहंकारी का पतन होता है। तो ये जो अजामिल था पिछले जन्म में एक तपस्वी था हिमालय पर्वत पर। सुखदेव गोस्वामी जी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं अजामिल की कि इसने अनेक स्त्रियां देखी सुंदर सुंदर, केवल वैश्या पर ही लट्टू कैसे हो गया? इसका संसर्ग था पिछले जन्म का, और पिछले जन्म के संसर्ग को बता रहे हैं कि ये जो अजामिल था पिछले जन्म में हिमालय पर एक तपस्वी था, तपस्या करता था, जवान था, और हिमालय पर तो भोजन मिलता नहीं, तो वो पेड़ों से जैसा फल मिल जाए कच्चा पका वो खाए, फल नहीं है तो पत्ती चबा के रहे,
और झरनों से ठंडा ठंडा जल पीवे, और कभी कभी तो दो दिन ना उठे कुछ खाने के लिए तपस्या में से, कभी कभी पांच दिन तक तपस्या में बैठा रहता, उठता ही नहीं, ऐसा तपस्या करने लगा, कड़क तपस्या की उसने। तो कुछ लोग जो इधर उधर गांव में रहते थे वो भी घूमते हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ, लोग गैयाओं के पीछे, तो उन्होंने देखा, अरे तो ऐसे तपस्या करता है, तो इसका नाम प्रभाव हुआ, थोड़ा प्रसिद्धि हो गई। तो लोग सोचे, अरे तो बहुत, ये तो बहुत तपस्या करता है, और नाम प्रसिद्ध हो गया, सब श्रद्धा करें उसके ऊपर। तो इसने सोचा, अरे तेरे ये तो सब मेरे को पसंद करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मुझे आगे प्रणाम करते हैं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। हाँ, जब तक नाम प्रभाव हो जाए, सबको मालूम पड़ जाए कि ये बड़े हैं, बड़े स्वामी जी हैं, बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, पहुंचे हुए हैं, आती हैं, वो सब तक तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर सोच लेना कि मैं बड़ा हूं, और बड़ा बनने के लिए कुछ काम कर देना, केवल यही लक्ष्य कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं दिखाऊं कि मेरे पास बहुत बड़ा आश्रम है, मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, अब आइए देखिए। ऐसा आदमी तो जरूर गिरेगा एक दिन। तो वो सोचने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया। उसके चेहरे पे तपस्या की आभा थी, तेज, एक भक्त का तेज होता है चेहरे पर, जो भक्ति करता है, भगवान की तपस्या करता है, वो तेज चेहरे पे आता है। दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं, जो जानकार आदमी हो तो समझते हैं कौन है, जो जानकार नहीं हो तो सबको समान देखते हैं, उनको क्या है? खा करके लट्टू टमाटर बन गया है। मुझे याद आ गया, एक ब्रजवासी ने आके कहा, वो फलाने आश्रम में वो जो स्वामी हैं, वो खा खा के टमाटर जैसा लाल हो रखा है। साधुओं से ज्यादा भंडारा कौन खाता है बताइए, वो तो दक्षिणा मिलता है, कपड़ा मिलता है, नए नए कपड़े मिलते हैं उनको, उनसे ज्यादा कौन खाता है, मार मसाला मार लड्डू पूड़ी कचौड़ी रबड़ी रसगुल्ले सब खाते हैं वो, लेकिन सूखी रोटी खाने वाला, तपस्या करने वाला, सालों साल कपड़ा उसी को पहनने वाला, वो देखिए साधु, ये तो खा खा के मार मजा लूट रखे ऐसे। सो ऐसा हो रखा था वो, उसको तेज था शरीर पे, वो संत बहुत तपस्या करता था, सब जगह प्रशंसा होने लगी, श्रद्धा होने लगी सबकी, हमें प्रणाम करें। तो उसने सोचा, अरे तेरी के मैं तो बहुत बड़ा हो गया, तो अभिमान के कारण अवहेलना करने लगा सबकी, उनकी कीमत ही ना समझे, ना सम्मान ना करे किसी का, अपने ही आदमी को सम्मान करे, गलत है ना, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, सबको एक डंडी में हांकना चाहिए, पता पड़ गया कि सभी मनुष्य हैं, उसमें भेड़ बकरी और गैया नहीं, एक लाठी से सबको चलाना चाहिए, एक ही बात से। तो उसको अभिमान हो गया, अभिमान हो गया तो अभिमान से वो तो गिरेगा। अब क्या हुआ, तो तपस्या करते करते उसका शरीर भी गिरने लगा, मतलब उम्र बढ़ने लगी। अरे शरीर भी एक तो पंच तत्व का बना है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये हाड़ मास का शरीर, कुछ समय बाद थोड़ा सहनशील कम हो जाता है ना इसका, जो कोई उम्र हो जाती है उसकी सहनशील कम होती, नंबर एक सहन शक्ति नहीं होती उसके अंदर, वो सहन नहीं कर सकता, ना तो बात को सहन कर सकता है ना तपस्या को, कुछ सहन शक्ति कम हो गई उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर घमंड कम नहीं हुआ, वो घमंड कम नहीं हुआ। तो उसने सोचा, अरे तेरी ऐसे ही शरीर बोलता रहता है, ऐसा ही सोचता, मैं वही तपस्या करूंगा जो कर रहा हूं। तो ठंड का मौसम, हमारे पे तो हर समय ठंड रहती है, लेकिन ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में लिक्विड आइस,
बर्फ तो है लेकिन इतनी तीव्र प्रभाव है, ऊपर से आ रहा ना पानी, तो वो बर्फ देखने में पानी जैसा लगता है लेकिन है बर्फ। कटोरे में ले लो, 2 मिनट में बन जाएगा वो लोहा, आइस बोलते हैं बर्फ। तो वो गया और गले तक घुस करके तपस्या करता था पहले, वो आइस माने तरल बर्फ उसके अंदर रहता था, वो तपस्या करता था। तो वो ऐसे तपस्या किया, आया निकला बाहर, निकल के बाहर प्यास लगी क्योंकि बाहर से ठंडा हो गया है तो अंदर से गर्मी है तो प्यास लगी, थोड़ा पानी पिया, पानी पिया तो अचेत होकर गिर पड़ा क्योंकि थोड़ा उम्र हो गया वहीं गिर पड़ा। तो वो उस जगह पर पानी लेने आते थे लोग, जहां वो पानी पीता था ना, जहां वो तपस्या करता था वहीं लोग पानी लेने आते थे पीने वाला, कोई एक जगह है पानी का। इसीलिए तो लोगों को मालूम पड़ा कितना तपस्या करता है ये, तो वो अचेत हो गया गिर पड़ा वहां। तो उसी समय एक साधु स्वभाव वाला ग्रह उसको मुनि कहते हैं संस्कृत भाषा में, जो स्वभाव साधु जैसा हो, सरल स्वभाव का हो, सीधा हो, सबकी भलाई चाहता हो और किसी की बुराई ना चाहता हो, अपनी आत्मा की उन्नति चाहता हो, ऐसे गृहस्थ को मुनि कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो ऐसा मुनि अपनी 16 वर्ष की कन्या के साथ आया पानी लेने के लिए, 2 बाल्टी, एक बाल्टी वो ले जाएगा, एक बाल्टी बिटिया ले जाएगी। 2 बाल्टी लेके आए वो वहां पर लेने के लिए, 2 मटके। तो देखा ये तो, अरे वो तो साधु वही तपस्वी है, तो गरा पड़ा है यहाँ, बड़े दुखी हुए, शायद ठंड लग गई है इनको, तो अग्नि जलाने के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ, अरे बर्फ है सब जगह, तो लकड़ी नहीं फिर माचिस नहीं, कैसे होगी। उसी समय एक और दूसरा मुनि आया वहाँ, वो मुनि जानकार था, वैद्यगिरी वैद्य जानता था, डॉक्टरी, अरे हर कोई मुनि एक ही तरह का नहीं होता, तरह तरह के मुनि होते हैं। तो देखा वो पड़ा हुआ है, इधर 2 खड़े हुए हैं, एक लड़की और एक आदमी गृहस्थ। तो उसने नब्ज देखी उसकी, तो उसने कहा देखिए साहब इसको तो तुरंत गर्मी मिलनी चाहिए, इसको गर्मी मिल जाएगी अभी बच जाएगा ये, तुरंत नहीं मिली तो ये मर जाएगा, अब नहीं बचेगा ये, नाड़ी देख के बता दिया। तो कैसे मिलेगी गर्मी, तो पूछा उसने गृहस्थ ने ना, इसको कमरे में ले जाते हैं और वहां रुई के भरे हुए गड्ढों में डाल देंगे, थोड़ी अग्नि जला देंगे तो ये गर्मी हो जाए। कहाँ है रुई, कहाँ है घर, दूर है यहां से, ले जाएंगे तब तक तो मर जाएगा ये, तो फिर क्या है दूसरा उपाय। ना दूसरा उपाय है कोई जवान स्त्री इसको आलिंगन करके पड़ जाए ना, तो उसकी गर्मी से इसको चेतना आ जाएगी। अब तो ये साधु स्वभाव का था, उनकी बेटिया बेटी भी साधु स्वभाव की थी, अब सब भलाई चाहते हैं और अपना ये प्रसिद्ध है साधु। तो पिताजी ने कहा बेटी इसके ऊपर लेट जाओ, अपने कपड़े से ढांक दो और हम अपने अपने चादर तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। तो बेटी ने पिता की बात मान के, फिर वो भी तो धर्मात्मा थी, तो लेट गई उसके ऊपर, लेट गई और उसके ऊपर वो अपना चादर ओढ़ लिया, उसको पकड़ के कस के पकड़ लिया। ऊपर से पिताजी ने चादर उड़ा दिया, ऊपर से डॉक्टर ने चादर उड़ा दिया, वैद्य साहब ने। कुछ समय पश्चात, अच्छा इस शरीर के अंदर कुछ गर्मी होती है जब ही तो जिंदा रहता है आदमी। आदमी जिंदा इसलिए रहता है कि शरीर के अंदर गर्मी होती है, वो गर्मी आत्मा के कारण, और जवान में बूढ़े से ज्यादा गर्म होता है शरीर, और जवान आदमी से स्त्री में ज्यादा गर्मी होती है शरीर में, और स्त्री से लड़की में ज्यादा गर्मी होती है शरीर में, ये शास्त्र कहता है। हमने तो हमको ये मालूम नहीं है, मैंने पकड़ा नहीं सबका हाथ पैर। तो उसको तो गर्मी मिला उसको,
घर में मिला तो जागा, जागा देखा कि एक जवान लड़की मेरे ऊपर पड़ी हुई है, क्या हो गया? अरे उठा बुक्का, उठा क्रोध के मारे, सोचा विचार कुछ नहीं किया, और ये दो आदमी और खड़े हैं, वो तुम्हारी उम्र से भी बड़े हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए क्या हो गया। अरे दो आदमी के सामने कोई स्त्री कैसे पड़ जाएगी काम वासना के साथ, वो तो पब्लिक खुला मैदान है, अरे पहाड़ है, हिमालय है। तो उसने सोचा ने मारे क्रोध के और लिया थोड़ा जल हाथ में और श्राप दिया बच्ची को, निरपराध निर्दोष, उसने तो उसको जीवन दान दिया। देखा घमंडी आदमी कैसा होता है, जिसको घमंड होता है ना वो बात को उल्टा समझता है, वो बातों को उल्टा लेता है और सोचता है मैं ही ज्यादा जानता, वो गलत है। तो उसने लिया जल और कहा तूने वैश्या जैसा काम किया, तू अगले जन्म में नीच कुल में नीच वैश्या हो जा, ऐसा बोल अगले जन्म में। अब तो ये जन्म तो बच गया, तब वो तो धर्मात्मा थी पुण्यात्मा, उसने कोई दोष नहीं किया, उसके पास भी प्रभाव था अपना, क्योंकि वो कन्या थी। अभी कन्या उसको कहते हैं जिसने किसी पुरुष को काम वासना से स्पर्श न किया हो, उसको कन्या कहते हैं। इसलिए कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम ऐसा लिखा है, कन्या का दान करना चाहिए, रजस्वला होने से पहले उसको कन्या कहते हैं। अच्छा तो उसने भी पानी लिया हाथ में, मुझ निरपराध को आपने ऐसा किया, मैंने तो तुम्हारी सहायता की, तुम्हारे को तुम अचेत पड़े थे इसलिए मैंने अपने पिताजी के बात के कारण, वैद्य की बात के कारण मैंने तुमको जीवन दान दिया और तुमने मुझे ऐसा कर दिया, जाओ मैं श्राप देती हूं तुमको, तुम तपस्वी हो, मैं आपको क्या प्रणाम कर, श्रद्धा है मेरा, आदर सम्मान है आपके प्रति, ठीक है आप फिर भी या तपस्वी बनोगे, आगे चल के शुद्ध ब्राह्मण बनोगे, लेकिन मुझ वेश्या नीच कुल में जन्म लिए हुए को ही स्वीकार करोगे, और स्त्री की संगति के लिए व्याकुल रहोगे, स्त्री की संगति के लिए व्याकुल रहोगे। देखा मेरे गुरुजी ने एक बार कहा वो जो बाबा जी लोग होते हैं ना, मेरे गुरुजी बोले हम लोग बाबा जी नहीं, हम लोग सन्यासी स्वामी हैं, हम लोगों को स्वामी जी बोलते हैं। अब बाबा जी लोग होते हैं ना, सफेद कपड़े पीले कपड़े पहनते हैं, हम लोग गेरुए कपड़े पहनते हैं। मेरे गुरु जी ने कहा बाबा जी लोग होते हैं ना, वो बाला करके बैठे रहते हैं और दिमाग रहता है स्त्रियों के पास, गंदा गंदा विचार आता है उनके मन में, वो खाली रोटी मांगना खाना और बैठे रहना सोचना गंदा बात। हम लोग प्रचारक हैं, हमारे पास समय नहीं, हम लोग लोगों का पालन करते हैं, आश्रम चलाते हैं, हम लोगों को मठाधीश कहते हैं। देखा हम लोग प्रचार करने जाते हैं, अपनी जान को हथेली में लेके चलते हैं, दुनिया की भलाई सोचते हैं, हम केवल भिख मंगा रोटी मांगा मधुकरी लेके खाके बस माला लेके स्त्री की याद कर, ऐसा नहीं करते। मेरे गुरुजी ऐसा बोले, मैं तो खाली दोहरा रहा हूं। व्याकुल रहेगा तू, और तू मुझ वैश्या से ही संगत करेगा, क्योंकि उसको श्राप दे दिया, तू नीच कुल में वैश्या बनेगी, तू तो मुझ से ही संगत करोगे, तू हर समय स्त्री के लिए व्याकुल रहोगे, कहां मिलेगी स्त्री, कैसे मिलेगी, वो फलानी स्त्री, ये स्त्री, वो स्त्री, ये स्त्री, लेकिन मेरे ही में फंसे रहोगे, ऐसा कहा। आपस में शापाशापी होगी दोनों की। समय आने के बाद वो दोनों चले इस दुनिया से, फिर वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म ला, मिल गया, बन गया अजामिल, ये बन गई वेश्या, सुंदर वेश्या बनी, और नीच कुल में जन्म लिया इसने। तो उस श्राप के कारण इस अजामिल ने अपनी सती साध्वी ब्राह्मणी सतकुल में जन्म सदाचारिणी अपनी पत्नी को छोड़ के उसमें फंसाई।
है ना पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का संसर्ग, इस कारण उसको मिला यह संबंध। और फिर क्या किया इसने, अपने माता पिताओं को सारा धन लूट के दे दिया और बड़ा बड़ा गंदा काम किया, उसी का श्राप का फल। इसके श्राप का फल वो शराब पीने वाली नीच कुल में जन्म वेश्या बन गई, उसके श्राप का फल ऊंचे कुल में जन्म लेके और बुरा संसर्ग और स्त्री चिंता, व्याकुल रहा वो हर समय स्त्री के लिए, और उसे बच्चे बनाए इसने, 10 बच्चे बनाए, एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 10 बच्चे एक के बाद एक, बिना पूर्व जन्म के संस्कार के बिना कैसे संबंध होगा, किसका संबंध किससे लिखा हुआ हो तो होगा, और उसकी निंदा करने से क्या फायदा है। अब फलाना साधु भाग गया फलानी लड़की को लेके, दंड तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन वो पिछले जन्म का संस्कार है, भाग के कोई पॉकेट में लेके नहीं गया वो स्त्री को, वो स्त्री जाना चाहती होगी इसलिए वो ले गया, वो जो संसर्ग लिखा फलाना ढोलक वाला तबला वाला उठा के पंडित जी की पत्नी को ही लेके भाग गया, और कथा कहने वाले पंडित जी उनकी पत्नी ही भाग गई उनके साथ, 2-4 बच्चे होंगे घर में, तो पूर्व जन्म का संसर्ग है ये, इस जन्म का नहीं है। ये वेश्या अपने पिता के आदेश से लिया हो पिछले जन्म में, उसका बचाया उसको अचेत अवस्था से, तो उसका ये पुण्य था, और इसका ये पुण्य था कि तपस्वी था, तपस्या इतनी जोर से की इसके इसने, तो उस तपस्या का प्रभाव तो नष्ट नहीं हुआ, और इसका जो बचाया उस तपस्वी को इसका भी पुण्य नष्ट नहीं हुआ, तो वो जो तपस्या इसने की इतनी जोर से तपस्या की, तो वो तपस्या एक बच्चे का स्वरूप लेके इसके यहां जन्म ले लिया, जिसका नाम इसने नारायण रखा साधुओं की सहायता से, बताएंगे उस बात को, उस बात को बताएंगे। तो ये लड़का नहीं था अजामिल का, ये तो उसका तपस्या था, उस लड़का का स्वरूप लेके आया, उसको नरक से छुड़ाया, और ये वेश्या भी नरक से छूट गई क्योंकि उसने सहायता किया था। इस नारायण नाम ले लिया क्योंकि ब्राह्मण था, थोड़ा पुण्य था वेश्या पकड़ने से पहले, उसके कारण उसके मुंह से निकला, और वो लड़का उसका तपस्या था। सो ये सोचना चाहिए जब हम भजन करते हैं, हमारा भजन कभी निष्प्रभाव नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, हमको जरूर वो भजन हमको निकाल के नरक से फेंक देगा, चाहे हम कितने भी पापी हों, ऐसा सोचना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।